अब आपको मुख्य चीज देखने को मिलेगी जो लगभग 25 मिनट का नज़ारा देखने को मिलेगा अंतरिक्ष का। जैसे हम आप सिनेमा घर में बैठकर देखते हैं, आप कुर्सियों पर बैठ के अंतरिक्ष का पूरा नज़ारा देखेंगे। शिवा ब्रह्मांड की विशालता और विभिन्न खंडों से होकर अपनी यात्रा के बाद जैसे ही हम खुद को अंतरिक्ष केंद्र की इस अद्भुत डोम गैलरी में पाते हैं, आइए हम अपने ब्रह्मांड के सबसे दूर तक की यात्रा पर चलें। आइए ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में हम स्वयं अपने आप को जरा देखें कि हम कहां खड़े हैं, हम क्या हैं। अब जैसे जैसे हम धीरे धीरे अपने नीले ग्रह की गर्मी और अपनी पृथ्वी के वायुमंडल की सुरक्षा को पीछे छोड़ते ऊपर उठते जा रहे हैं, हम खुद को खोजने के लिए अंतरिक्ष की दुर्गम ठंडक के माध्यम से यात्रा करें। हम नए अन्वेषक बनने जा रहे हैं जिन्होंने आगे बढ़ने और अपने भीतर खुद को खोजने का साहस किया है। अब हम ये यात्रा शुरू करने वाले हैं। अपनी सीट पर बैठे रहे, ये यात्रा कभी कभार ऊबड़ खाबड़ भी हो सकती है, लेकिन इस स्टारशिप पर आपके कप्तान के रूप में मैं आप सभी को सुरक्षित और स्वस्थ वापस लाने का वादा करता हूं। अपनी ब्रह्मांडीय यात्रा शुरू करने से पहले आइए हम अपने सौर मंडल पर प्रकाश डालें। सूर्य से शुरू होने वाले 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। एक समय 9वें ग्रह समझे जाने वाले प्लूटो को अब हमारी ग्रह श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाता है। वास्तव में सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा पूर्ण वृत्त में नहीं बल्कि एक अंडाकार कक्षा में होती है। उदाहरण के लिए इस अंडाकार कक्षा का अर्थ है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पूरे वर्ष बदलती रहती है। सबसे निकटतम बिंदु को पेरिहेलियन कहा जाता है और सबसे दूर का बिंदु एफेलियन है। सूर्य के निकट पहुंचकर हम पृथ्वी पर समस्त अस्तित्व को कायम रखने वाली इस असीम जीवन शक्ति से भेंट करते हैं। सूर्य के निकट लगभग 93 मिलियन मील यानी 150 मिलियन किलोमीटर की औसत दूरी पर पहुंचने पर हमें एक खगोलीय ऊर्जा घर का सामना करना पड़ता है। वहां पर सौर ज्वालाओं का नजारा होता है जो कभी कभी बहुत उल्लेखनीय ऊंचाई तक पहुंच जाती है, जिनका तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच सकता है। हमारा प्रारंभिक गंतव्य बुध है। सूर्य के सबसे निकटतम यह ग्रह एक चट्टानी वायुहीन दुनिया है जहां तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव होते हैं, जहां दिन लगभग 427 डिग्री सेल्सियस पर झुलस सकते हैं, वहीं रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बुध की सतह टकराव से बनने वाले गड्ढों से सजी हुई है और ये पृथ्वी के लगभग 88 दिनों में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करता है। इससे आगे बढ़ते हुए शुक्र अपनी मनमोहक सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देता है, लेकिन सावधान रहें, यहां का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जो कि इसके सूर्य से दूर होने के बावजूद बुध से भी अधिक गर्म है।
हमारे ज्ञात ब्रह्मांड के सबसे सुदूर क्षेत्रों में जाने से पहले आइए कुछ क्षण के लिए अपने निवास ग्रह पृथ्वी पर टकटकी लगाकर नजर डालें, जहां हम जो कुछ भी प्यार करते हैं, अपना मानते हैं और समझौते हैं, वो हमारी सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहा है। हमारे प्रिय चंद्रमा की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि किंवदंतियों और कहानियों में एक खगोलीय प्रेरणा की तरह है। इसकी मनमोहक सुंदरता, जो अक्सर काव्यात्मक होती है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह के रूप में इसके वैज्ञानिक महत्व को छुपाती है। चंद्रमा, जो पृथ्वी से लगभग 384,400 किलोमीटर दूर स्थित है, समुद्री ज्वार को प्रभावित करता है, पृथ्वी के घूर्णन को स्थिर करता है। जैसे ही हम अपने निकटतम पड़ोसी मंगल ग्रह को पार करेंगे, क्षुद्र ग्रह बेल्ट से गुजरने के लिए तैयार हो जाएं। हमारे सबसे निकटतम है मार्स, सूर्य से चौथा और हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह। ये केवल बुध से बड़ा है। मार्स को रोमन युद्ध के देवता का नाम दिया गया है और संस्कृत में इसे मंगल कहा जाता था। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये आकर्षक लाल रंग इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड के प्रभाव के कारण होता है। मंगल भी विरल वातावरण वाला एक स्थलीय ग्रह है। इसकी सतह पर जैसा कि आप देख सकते हैं, गड्ढे, घाटियां, टीले और यहां तक कि ध्रुवीय बर्फ की टोपियां भी मौजूद हैं। सभी सुरक्षित रहेंगे। बस इन दिशाहीन क्षुद्र ग्रह से कुछ छोटी मोटी टक्करें होंगी। पूर्ण रूप से निश्चिंत रहें कि आपका अंतरिक्ष यान उन सभी को, मेरा मतलब है कि लगभग सभी को संभालने में सक्षम है। जैसे ही हम बृहस्पति के चारों ओर उड़ते हैं, जो सूर्य से पांचवा ग्रह है और जो हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा है, इस विशाल ग्रह का वजन इस सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों के कुल वजन से 2.5 गुना से भी अधिक है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम इसके विशाल गुरुत्वाकर्षण बल में न फंस जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सुखद अनुभव नहीं होगा, है ना? अभी आप जो देख रहे हैं वो जुपिटर पर ग्रेट रेड स्पॉट है। ये एक विशाल तूफान है जो 17वीं शताब्दी में दूरबीनों द्वारा खोजे जाने के समय से चल रहा है। हम इसमें बिल्कुल फंसना नहीं चाहेंगे, है ना? हमने बृहस्पति के कई अज्ञात और अब तक ज्ञात लगभग 80 चंद्रमाओं में से कुछ को पार कर लिया है। प्राचीन काल से मनुष्य रात के आकाश में बृहस्पति को देखता आ रहा है और उसने इसका नाम रोमन देवता के नाम पर रखा है। संस्कृत में हमारे ग्रंथों ने हजारों वर्षों से इस ग्रह की पहचान की है और इसे बृहस्पति कहा है। क्या आप जानते हैं, प्रयागराज में प्रसिद्ध कुंभ मेला, जो हर 12 साल में होता है, वास्तव में सूर्य के चारों ओर बृहस्पति की यात्रा की समय रेखा का अनुसरण करता है। बृहस्पति अपनी एक परिक्रमा सूर्य के चारों ओर 12 वर्षों में पूरी करता है और इसी की स्मृति में कुंभ मेला हर 12 वर्षों में होता है। आइए
हम अपने सौर मंडल के सबसे शानदार दृश्यों में से एक की ओर आगे बढ़े। शनि ग्रह सैटर्न हमारे सौर मंडल के सबसे शानदार ग्रहों में से एक, पृथ्वी से 1.4 अरब किलोमीटर की विशाल दूरी पर है। अपनी कक्षा में निकटतम दूरी पर भी ये अभी भी हमारी पृथ्वी से लगभग 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है। ये सूर्य से छठा ग्रह है और हमारे सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है। ये एक गैस जॉइंट भी है जिसकी औसत त्रिज्या हमारी पृथ्वी से लगभग 9.5 गुना ज्यादा है। ये शनि ग्रह को हमारी पृथ्वी से लगभग 95 गुना अधिक विशाल बनाता है। अब हम आश्चर्य से देखते हुए इसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता रिंग सिस्टम को पार करते हैं। ये रिंग सिस्टम बर्फ के कणों और छोटे चट्टानी मलबे और धूल से बनी है। शनि की कक्षा में जाने वाले सभी 83 चंद्रमाओं में से हम आधिकारिक तौर पर केवल 53 का ही नामकरण कर पाए हैं। जैसे जैसे हम अपनी अंतरिक्ष यात्रा में तेजी लाते जा रहे हैं, हम अपने सौर मंडल के अगले 3 ग्रहों को पार करते हैं। हम यूरेनस के ऊपर से गुजरते हुए बाहरी ग्रहों नेपच्यून, और अंत में प्लूटो से आगे बढ़ते हैं। सूर्य अब प्रकाश के एक छोटे से कण के अलावा और कुछ भी नहीं है और हमारी पृथ्वी अब दिख भी नहीं रही। हम अब अपनी पृथ्वी से 7 अरब किलोमीटर से अधिक दूरी पार कर चुके हैं। जैसे ही हम कुइपर बेल्ट में कदम रखते हैं, हमें शनि के समान एक बर्फीला घेरा दिखाई देता है, लेकिन 20 गुना चौड़ा और कुछ स्थानों पर 200 गुना भारी है। अब हम पृथ्वी से 10 अरब किलोमीटर से अधिक दूरी पर इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में हैं। जैसे जैसे हम तेज गति से आगे बढ़ते हैं, हम 100 अरब किलोमीटर दूर एरिस और सेडना नाम के बौने ग्रहों से गुजरते हैं। परंतु हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई है। हमने तो अभी तक अपने विशाल ब्रह्मांड की सतह को खरोंचा तक नहीं है। अब हम ऊंट बादलों के माध्यम से 1 ट्रिलियन किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा अब मैं आप सभी को इस ब्रह्मांड को इस यात्रा के रूप में अपने विचारों में अनुभव करने दूंगा। जब आप खुद को इस अविश्वसनीय विशालता के साथ एक महसूस करेंगे, अपनी ब्रह्मांडीय यात्रा को जारी रखते हुए हमारा सामना प्रोसियोन, जिसे अल्फा कैनिस माइनोरिस के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, हमारा सामना केपेलस होता है, जो ओरिगा तारा मंडल में एक प्रमुख तारा प्रणाली है। आगे बढ़ते हुए हम ब्लीड्स क्लस्टर के पास पहुंचते हैं, जो ऋषभ यानी टॉरस तारा मंडल में एक आश्चर्यजनक खुला तारा समूह है। इसे 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। ब्लीड्स ब्रह्मांडीय सुंदरता और खगोलीय महत्वता को प्रदर्शित करता है। ओरायन तारा मंडल में मौजूद एक मनोरम तारकीय नर्सरी, गैस और धूल का ये विशाल बादल लगभग 24 प्रकाश वर्ष दूरी तक फैला हुआ है और ये नए सितारों के जन्म स्थान के रूप में कार्य करता है। हम धनु यानी सजिटेरियस समूह का सामना करते हैं, जिसे मेसियर 22 के रूप में भी जाना जाता है, जो धनु यानी सजिटेरियस तारा मंडल में
एक गोलाकार तारा समूह है और इसे ज्योतिषीय प्रतीकवाद में अन्वेषण और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे को पीछे छोड़ते हुए एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसे M31 के नाम से भी जाना जाता है, जो इसे मिल्की वे आकाश गंगा की सबसे निकटतम स्पाइरल आकाश गंगा बनाता है। क्या आप जानते हैं एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा से भी बड़ी है? अब इन खगोलीय चमत्कारों, ब्लैक होल, तारकीय संस्थाओं को देखें, जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी तीव्र है कि इनसे कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं पाता है। इसकी पृष्ठभूमि में स्थित तारों की विकृति इसके अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले समय के फैलाव से उत्पन्न होती है। सुरक्षित दूरी बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका अत्यंत शक्तिशाली बल हमारे अंतरिक्ष जहाज को उनके गुरुत्वाकर्षण रसातल में खींच ले जाने का खतरा पैदा करता है। इससे पहले कि हम पृथ्वी पर वापस लंबी यात्रा करें, मैं आप सभी से कुछ देर के लिए यहाँ रुकने का अनुरोध करता हूँ। हम अब उस घर से 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर हैं, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। एक पृथ्वी वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये 10 ट्रिलियन किलोमीटर की भारी भरकम दूरी है। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी हो सकती है? यहां से हमारी पृथ्वी दिखाई भी नहीं देती। यदि हम पृथ्वी की ओर प्रकाश की एक किरण छोड़ें, तो उसे घर तक पहुंचने में 10 अरब वर्ष लगेंगे। हम जिसे अपना घर कहते हैं, जिसके लिए हम लड़ते हैं, युद्ध और तबाही मचाते हैं, जिस पर शासन करने के लिए हम अपने परमाणु हथियारों को अपने अपने भंडारों में भरे जा रहे हैं, वो यहाँ की धूल के एक छोटे से कण के अलावा और कुछ है भी नहीं। ब्रह्मांड की इस पूरी योजना में, यहां तक कि जहां अभी हम खड़े हैं, हमारे सभी छोटे मोटे झगड़ों का कोई मतलब ही नहीं निकलता है ना? आइए अब हम अपने घर पृथ्वी पर वापसी की अपनी लंबी यात्रा शुरू करें। ब्रह्मांडीय बाधाओं से परे तेजी से बढ़ते हुए हम अपने आप को प्रकाश की गति से भी तेज गति से आगे बढ़ाते हैं और अपने ज्ञात ब्रह्मांड के किनारे पर स्थित अज्ञात क्षेत्रों की ओर एक असाधारण यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये अभियान उन असंख्य रहस्यों और संभावनाओं को उजागर करता है जो हमारी वर्तमान समझ से परे इस विशाल ब्रह्मांडीय चादर में हमारा इंतजार कर रहे हैं। जब हम अपनी दिव्य यात्रा समाप्त कर रहे हैं और अपने प्रिय ग्रह पर लौटते हैं, तो हमेशा याद रखें कि पृथ्वी हमारा एकमात्र घर है। इसे संजोएं और इसकी रक्षा करें, क्योंकि हमारे कार्य इसके भाग्य को आकार देते हैं। यदि हम अपने स्वयं के कार्यों से अपनी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमारे पास दोष देने के लिए कोई नहीं होगा और न ही हम कहीं और जा पाएंगे। धरती माता से प्यार करें और उसका पालन पोषण करें, क्योंकि वो इस विशाल दुर्गम ब्रह्मांडीय चादर में हमारा भरण पोषण और पालन।
इतना खूबसूरत नज़ारा झांसी में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बना है। और इंडिया में जैसा कि बताया जा रहा है कि इंडिया में ये स्पेस म्यूजियम पहला है, और सबसे बड़ी बात है कि पूरा म्यूजियम एक घंटा आपको घूमने को मिलेगा और ऐसे लगेगा जैसे हम अंतरिक्ष में और जन्नत का नज़ारा देख रहे हों। वीआईपी कुर्सी, ठंडे ठंडे कूल कूल वातानुकूल एसी में, गर्मी का सीज़न है, मज़ा आ जाएगा।